हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। तो गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं इग्नोस के ऊपर वीडियोस बनाती रहती हूँ, लेकिन मैंने अभी इकोनॉमिक्स के लिए वीडियो स्टार्ट कर दी है, जो कि क्लास 11th के लिए होगी ये, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है ये। इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है। पहले भी मैंने दो वीडियोज बनाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो डेफिनेटली आप वो जाके देख सकते हैं। और देन आगे जो है टॉपिक कवर करूंगी मैं, और आपको बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ ही समझाऊंगी। अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप जो है एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज Having alternative uses। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ, मैंने यहाँ बॉक्स में आप लोगों के लिए शॉर्ट में लिख दिया है, ताकि अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैंने बुकिश लाइन लिखी है सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है। पर मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट ही बताऊंगी, ताकि आपको इतना याद करना ना पड़े। आपको शॉर्ट में समझ आ जाएगा तो आप डेफिनेटली बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है वॉन्ट और R, यानी कि W greater than R लिखा है मैंने, यानी कि जो हमारा W हुआ है मतलब वो हमारी want है। R मतलब है मेरा resources से। जब आपकी want ज्यादा हो, जरूरतें ज्यादा हो और resources कम हो, resources होते क्या है अगर आपको नहीं पता तो मेरी पिछले वीडियो में जाके चेक कीजिए। मैंने ऑलरेडी इसीलिए डिटेल में वीडियो बनाई थी, ताकि जो आगे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो आपको जो है उसमें दिक्कत ना हो। रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड है। आज के टाइम में हमारी पॉपुलेशन कंट्री की ज्यादा है और उनकी जरूरतें भी ज्यादा है। जब जरूरतें ज्यादा है लेकिन उस हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल, यानी कि अगर कोई पर्सन 20,000 रुपए कमा रहा है, दैट मीन्स उसने हर एक चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन पहले से कर रखा है कि उस 20,000 में उसको फूड पे कितना खर्च करना है, अपनी स्टडी में कितना खर्च करना है, ठीक है। तो वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो 20,000 कमा रहा है तो वो कितना 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 कॉन्ट्रीब्यूशन वो किस किस चीज में देगा, ठीक है। तो ऐसे ही रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन जरूरतें ज्यादा है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी ही होगी। तो उसके रीजंस क्या है, उसके रीजन तीन है, बहुत सिंपल से समझाऊंगी आपको। मैंने ब्रैकेट में ये भी लिख के यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आपको इसको डिटेल में ना पढ़ना पड़े, आप इन शॉर्ट ही इस चीज को समझ पाए। रीजंस क्या है हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, पहला तो है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें कमी आ जाती है। कमी जभी आ जाती है क्योंकि जब पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं हर एक चीज की, और जरूरतें तो बढ़ती ही जा रही है, तो रिसोर्सेज में कमी तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। सेकेंड है यहाँ पे, तभी मैंने लिखा था स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि ये पूरे यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमें देखने को मिल ही जाएगी। दूसरा पॉइंट है अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, यानी कि इंसान की जो जरूरतें हैं वो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है जो कि कभी खत्म होती नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास भी कोई फोन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सैमसंग का फोन है, डेफिनेटली आप सोचेंगे कि मैं कुछ टाइम बाद आईफोन परचेज कर लूं, तो यानी कि आपकी जो वॉन्ट है वो एक टाइम में पूरी हो गई और उसके बाद आप दूसरी आपकी अराइज हो गई। अगर आपके पास दूसरी पूरी हो जाती है तो आप तीसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ये जो है ह्यूमन वॉन्ट जो है बाय नेचर होती है, क्योंकि ये अराइज होनी ही होनी है। तभी मैंने यहाँ लिखा है नेवर एंडिंग। ये जो ह्यूमन की जो वॉन्ट होती है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होती। अगर आप एक चीज ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फोन परचेज कर लिया, तो आप वहीं पे शांत नहीं बैठ जाओगे, आप दूसरी चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे कि एक चीज तो मेरी वॉन्ट तो पूरी हो गई, मैं दूसरी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ। यानी कि हमने ये समझा ये नेवर एंडिंग है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब कभी नहीं खत्म होने वाली तो वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो बनेगी ही बनेगी। पहला भी बता दिया, रिसोर्सेज में जब कमी आएगी तो भी हमारी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। तीसरा आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है, मैंने यहाँ एग्जांपल भी दिया पेट्रोल। पेट्रोल का ही क्यों एग्जांपल दिया है, क्योंकि पेट्रोल जो होता है ना आपके बेसिकली वो गाड़ियों में भी यूज होता है, साथ में आप जनरेटर्स में और बड़ी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं।
यानी कि ऑल्टरनेटिव यूजर्स का मतलब यही है कि आप आज के टाइम पे वो प्रोडक्ट लेना चाहेंगे जिसके आप ज्यादा से ज्यादा उसको जगह पे यूज कर सके। तो यानी कि हमने तीनों के तीनों टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, मैंने आपको पूरे टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच।